जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आप लोगों की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है और 7 बजे की जो आपकी क्लास रेगुलरली होती है वो आप लोगों को मिल ही रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको जितने वीडियो 7 बजे मिल रहे हैं, कम से कम अगर आप लोग उतना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसके अलावा आप लोग और कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने कॉलेज में जो भी पढ़ा हुआ है अगर उसको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया और किसी चीज़ को आपने 2 से 3 बार अच्छे से याद कर लिया, समझ करके पढ़ लिया, तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। 20 दिसंबर अभी समय आपके पास बहुत है। अगर आप बिना घबराए आराम से बैठ करके सब चीज़ रिवाइज करेंगे जो भी आपने पढ़ा अच्छे से, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अभी आप कुछ चीज़ नहीं भी पढ़े होंगे तो भी हो जाएगा आराम से। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्रोजन पढ़ेंगे। जंग क्या होता है? जंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरणीय कारकों से, जैसे आपकी नमी हो गई, हवा हो गया, बरसात हो गया, किन्हीं की कारणों से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाती है, क्या धातुएं कमजोर हो जाती हैं। यह मुख्यतः ऑक्सीजन, नमी, अम्ल या फिर अन्य रासायनिक एजेंट्स के संपर्क में आने के कारण होता है। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने? ऑक्सीजन, नमी, मॉइस्चर, एसिड या फिर अन्य केमिकल जो भी एजेंट्स होंगे उनके कारण ये सकता है, जंग हो सकता है। और जंग धातु की सतह को खराब कर देता है और उस पर एक लेयर आ जाती है, एक परत सी आ जाती है, जैसे आप लोगों ने लोहे के ऊपर देखा होगा तो एक कहते हैं जंग सा लग जाता है, एक ब्राउन कलर का और रेडिस कलर का थोड़ा सा हो जाता है, वो जो होता है वही जंग होता है। और जब कभी उसको आप छुड़ाते हैं तो वो लोहे को पूरा एक तरीके से क्लियर लेकर के निकल जाता है, जिससे लोहे की जो ताकत, जो स्ट्रेंथ है वो भी कमजोर हो जाती है और उसकी जो कार्यक्षमता जो है वो भी कम हो जाती है। जंग के प्रकार की बात करें तो रासायनिक जंग, केमिकल कोरोजन एक होता है। ठीक है, सबसे पहले हम दो प्रकार के होते हैं, पहला पढ़ेंगे हम लोग केमिकल कोरोजन, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर अगले टाइप पे चलेंगे हम। रासायनिक जंग तब होती है जब धातु का संपर्क पर्यावरण में मौजूद गैसों या फिर रसायनों जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर या डाइऑक्साइड आदि से होता है। जैसे आपके पर्यावरण में बहुत सारी गैसेस आप लोगों ने सुना होगा होते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग हमेशा ग्रहण करते हैं अपने सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, यही तो हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया। इन सभी गैसों की उपस्थिति में जब हमारा कोई भी धातु के ऊपर जंग लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम? रासायनिक जंग कहते हैं, केमिकल कोरोजन कहते हैं। यह प्रक्रिया सूखी परिस्थितियों में होती है और इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता नहीं होती, यही सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, आपको यहाँ पे याद कर लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और केमिकल कोरोजन में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको सूखी परिस्थितियां मिलेंगी और इलेक्ट्रोलाइट का बिल्कुल भी उपयोग यहाँ पे नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज नहीं होता है। अब देखिए, देखिए दूसरा टाइप क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। सबसे बड़ा अंतर जो मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि वो सूखी परिस्थितियों में होता है, मतलब वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होगी, वहाँ पे किसी लिक्विड की प्रेजेंस में कुछ भी नहीं हो रहा होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। और उदाहरण के लिए अगर आप लोहे के ऊपर सतह पर ऑक्सीजन और नमी की अनुपस्थिति में ऑक्साइड की परत देखते हैं, क्या आयरन ऑक्साइड जो बन जाती है जो लेयर, उसको हम क्या कहेंगे, वो एक तरीके का जंग होता है। अब मैग्नीशियम या फिर जिंक का क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करना, मैग्नीशियम या फिर आपका जिंक जो है वो अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। जिंक किस अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये भी एक तरीके से जंग का ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगर रासायनिक व्याख्या करूँ तो देखिए आपके सामने आयरन और ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका रासायनिक प्रतिक्रिया कैसे हो रही है वो दिखाया गया। आयरन के 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, बैलेंस करने के लिए आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। देखिए लोहा ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यही जो होगा यही एक तरीके का जंग का प्रतिरूप बन जाएगा जब वो किसी भी धातु के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये आयरन की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे धातु हो सकते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सारे धातुओं के ऊपर ये जंग लग सकते हैं। इनकी बहुत सारी विधियां होती है जंग को खत्म करने के लिए, वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, यह प्रकार जंग तब होता है जब धातु एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे पानी या फिर अम्लीय घोल में डूबी होती है। ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये रासायनिक तरीके से नहीं होगा, आप इसको लैब में कर सकते हैं। आप इसको पानी में घोल देंगे, जब किसी भी मेटल को अम्लीय घोल में, एसिडिक सोल्यूशन में आप इसको डाल देंगे तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया होगी। क्या होगी, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होगी, उसके कारण से धीरे धीरे जो धातु है वो खराब हो जाएंगी, जिसमें एनोड और कैथोड के क्षेत्र बनते हैं। एनोड पे कोई धातु जाएगी और कैथोड पे कुछ तत्व जाएंगे, जिसके कारण उन दोनों का क्या होगा, विस्तृतीकरण होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे धातु में। ठीक है, देखिए जैसे नमक, जितना मैंने लिखा है आपको बस उतना ही समझाना है, जो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देख रखा, देखिए आप जल्दी से, कि आयरन एनोड के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीकृत होकर आयन में बदल जाता है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन पे अगर वो पानी में डालते हैं तो H2O होता है ना, क्या होता है, H2O होता है पानी में, तो हाइड्रोजन देखिए कहाँ पे जाएगा और ऑक्सीजन, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉनों के ऑक्सीजन और पानी के द्वारा कैथोड क्षेत्र में उपयोग कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या होगा, वो आपके कैथोड पे चला जाएगा, क्या हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएगा। और अगर आयरन जो है, आयरन जो ऑक्सीकृत होकर के आपका आयन में बदल जाएगा और वो एनोड के रूप में कार्य करेगा। ठीक है,
आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी चीजें हो रही है उसमें क्या होगा, आपका श्रेणी के क्रम में आपका एक कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा, ठीक है। अंत में आयरन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के आयरन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि आपने देखा कि जो हमने रासायनिक जंग पढ़ा उसमें आपका आयरन ऑक्साइड बन रहा था जंग के रूप में, यहाँ पे नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या बन रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब इसका एग्जाम्पल नमक के पानी में लोहे का जंग लगना, या फिर गैल्वेनिक जंग, गैल्वेनिक कोरोजन होता है, ठीक है, ये भी आपका टाइप ऑफ कोरोजन के अंदर का था, सब टाइप होता है, जहाँ दो अलग धातुएं इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में आती हैं। अब देखिए जंग को रोकने के उपाय, अब जब इसके बारे में अगर डिटेल नहीं पूछा गया है आपसे, अगर पूछा गया कि कोरोजन या फिर जो भी आपका जंग होता है उसके प्रकार बताइए, फिर कोरोजन की डेफिनेशन बताइए, उसके दोनों अंतर बताइए, मतलब दोनों प्रकारों के अंतर बताइए, उसके साथ में आपको ये जरूर बता देना है कि जंग को रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं। तो जंग की सतह पर पेंट या फिर तेल या ग्रीस लगाने से आपने देखा होगा कि लोहे पर या फिर किसी भी धातु पर अगर हमने पेंट कर दिया तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत थोड़ा था, अगर हम किसी मेटल, मान लीजिए ये आयरन की परत है, अगर इस पर हम जिंक की मेटलिंग कर देते हैं, जिंक की क्या करते हैं, इस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जंग को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कैथोडिक संरक्षण, कैथोडिक प्रोटेक्शन तकनीक का भी उपयोग करके यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, एलॉयज का निर्माण करके, ठीक है, वहाँ पे उससे मिश्र धातु अगर हम बना देंगे तो वो भी आपका जंग प्रतिरोधक के तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया जंग को रोकने के उपाय, वैद्युत और रासायनिक व्याख्या हमने देख ली एग्जाम्पल के साथ, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है और जंग क्या होता है, जंग के प्रकार देख लिए। ये अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, आपको मैं जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ, जितने वीडियो यहाँ पे आ रखे हैं, चाहे मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, अगर सबने आपने रिवाइज कर लिया, अपने अपने साथ अपने कॉपी में नोट्स बना लिया है, तो ये जान लीजिए कि आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, जो बच्चे डर रहे हैं पास होने के लिए उनको तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। इसको रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए बार बार।